So good morning everyone. Today we will discuss rank of matrix using elementary transformations. So here is a matrix given. Question is find the rank of matrix. This is given matrix by elementary transformations. तो सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स होगा वो गिवन मैट्रिक्स को हम डिनोट कर देते हैं ए से. तो लेट ए इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स हम वही यूज कर लेते. सो लेट गिवन मैट्रिक्स बी डिनोटेड बाय ए. नाउ जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज करने हैं तो उसका पहले पैटर्न समझेंगे करना क्या होगा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एंट्री वन, उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको जीरो जितने भी होंगे. उसके बाद सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम जिनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं यदि स्क्वायर मैट्रिक्स हो या फिर पिवोट एलिमेंट्स कहते हैं, तो इसको बनाएंगे वन. इसके बाद जाएंगे इसको बनाएंगे वन और इसके नीचे जीरोस. ये काम होने के बाद थर्ड रो का थर्ड एंट्री थर्ड पिवोट एलिमेंट यानी ए थ्री थ्री डायगोनल एलिमेंट्स के टर्म में बात करें तो इसको बनाएंगे वन. उसके नीचे यदि कुछ होंगे एलिमेंट्स तो जीरो. फिर इसके बाद फोर्थ रो का फोर्थ कॉलम ए फोर फोर एलिमेंट इसको बनाएंगे वन यदि नॉन जीरो एंट्री होगी तो. यह प्रोसेस चलते रहेगा. इसका मतलब जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स अदरवाइज पिवोट एलिमेंट्स उनको वन बनाएंगे और उनकी हेल्प से उनके नीचे सारे एलिमेंट्स को जीरो करते चले जाएंगे. हमको पिवोट एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट्स को देखना नहीं है. मतलब हम हमारे गिवन मैट्रिक्स को रो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं. अब जब बात करते हैं रो कैनोनिकल फॉर्म तो अभी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते करते देखेंगे कि ये काम करते समय वी हैव टू यूज रो ट्रांसफॉर्मेशंस ओनली. ये भी देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय. तो ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट यदि समझ में आया है तो हम आगे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं. प्रोसेस क्या होगी ये समझ में आया. चैट बॉक्स का आप यूज कर सकते हैं. यस ओके. तो देखिए जब हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है दैट मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल मैट्रिक्स और उसको लिखा जाता है इक्विवेलेंट टू ये सिंबल से इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स. अब ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा यूज कर रहे ये देखते हैं. फर्स्ट एलिमेंट तो वन है कोई प्रॉब्लम नहीं. अब ये वन की हेल्प से इसको बनाना है जीरो. मतलब हम चेंज करना चाह रहे हैं आर टू. आर टू को चेंज करना चाह रहे हैं थोड़ी सी स्पेस और क्रिएट कर लेते हैं. R2 को चेंज करना चाह रहे हैं कैसे. तो R2 माइनस R1. R2 माइनस R1 मतलब यहां पर जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट का काम कर रहा है. बोलिए चैट बॉक्स में बताइए कांस्टेंट का काम कौन कर रहा है. यदि आप 12th क्लास के नोटेशन से बात करें तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1. ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको जीरो बनाया जा सकता है. और हमने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट वीडियो में देखा था इनको लिखने का तरीका है R2 changes to R1 with the help of constant K. Constant is minus 1, not 1. Constant is minus 1. ये इस केस में minus 1 आ जाएगा. अभी ये notations follow करने हैं. लिखने के लिए ये convenient होते हैं. तो R2 1 with minus 1. Meaning क्या हुआ? R2 changes to R2 minus R1. पॉइंट समझ में आ रहा है. पहले ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया तो फिर उसको अप्लाई करते हैं. यस रो वन में कुछ नहीं हो रहा तो रो वन पहले लिख देते हैं. गुड वन माइनस वन 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 ये रो वन एज इट इज लिख दिया. अब जरा एक्शन को ध्यान से दिखेगा. जब हमको कहना है आर टू माइनस आर वन मतलब हम कर क्या रहे हैं आर वन में माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो एलिमेंट यहां एड कर रहे हैं. ऐसा बोलना कन्वीनियंट होता है. माइनस वन से मल्टीप्लाई किया एड किया ये बन गया जीरो. माइनस वन से मल्टीप्लाई किया
वो हुआ वन, ऐड किया ये बन गया जीरो, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया माइनस वन, ऐड किया टू में वो बन गया वन, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया ऐड किया टू, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया ऐड किया जीरो, ये हो गया हमारा आर टू, जीरो जीरो वन टू जीरो, वेरी गुड वेरी गुड तन्मय। अब देखते हैं थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री, इसको जीरो बनाना है, वन के नीचे सब जीरो चाहिए। अब टू को जीरो बनाना है तो माइनस टू करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं आर थ्री चेंजेस टू, आर थ्री चेंजेस टू, आर थ्री माइनस टू, लेकिन ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता नहीं है, हेल्प लेना पड़ेगा आर वन की, जहां पर वन है तो आर थ्री चेंजेस टू, आर थ्री माइनस टू टाइम्स आर वन, लिखते समय आर थ्री वन विथ माइनस टू कॉन्स्टेंट, आर थ्री वन विथ माइनस टू कॉन्स्टेंट, गुड। आ रही समझ में बातें आपको, इसका मतलब शुरू करते हैं वही पैटर्न से बोलना शुरू करेंगे, माइनस टू से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करना है, तो जीरो, माइनस थ्री से माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया टू, ऐड किया जीरो, माइनस टू से मल्टीप्लाई किया माइनस टू, इसमें ऐड किया वन में ऐड किया माइनस वन, माइनस टू से मल्टीप्लाई किए इसमें ऐड किए माइनस टू, माइनस टू से मल्टीप्लाई किए माइनस टू, प्लस टू जीरो, यस ठीक है, जीरो जीरो माइनस वन माइनस टू एंड जीरो, अथर्व गुड। अब बात करते हैं फोर्थ रो की, वन, वन को जीरो बनाना है तो मतलब आर फोर चेंजेस टू आर फोर माइनस आर वन, ये हमारा एक्चुअल नोटेशन होगा जो ट्वेल्थ क्लास में हम पढ़ते हैं, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पर आर फोर चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ आर वन यूजिंग कॉन्स्टेंट माइनस वन, इसकी प्रैक्टिस करना होगा, जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान लगने लगेगा, आर फोर वन विथ कॉन्स्टेंट माइनस वन, ओके अप्लाई करो, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया ऐड किया जीरो, माइनस वन से मल्टीप्लाई किए वो बन गया वन, वन में ऐड किया टू, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया माइनस वन में ऐड किया माइनस टू, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया माइनस वन बना, उसको यहां पर ऐड करना है ये माइनस फोर, माइनस वन से मल्टीप्लाई किए थ्री में ऐड किए तो ये हो गया टू, जीरो टू माइनस टू माइनस फोर टू, अनु गुड। तो क्रॉस चेक होते जाता है, आप भी इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम भी यहां पर सॉल्व कर रहे हैं और दोनों चीज चेक हो जाती है करेक्ट है, कभी कभी हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर एक सेकंड का भी ध्यान गया तो एक आध एंट्री गलत हो जाए, क्या है जीरो टू माइनस टू माइनस फोर टू, करेक्ट, हाँ करेक्ट। हमारा 1:15 तक का क्लास है, उसके बाद बात कर पाएंगे, ओके चलिए। अभी देखिए फर्स्ट एंट्री हो गई वन और उसके नीचे सब है जीरो, अब आते हैं सेकेंड रो में, सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट यदि नॉन जीरो होता तो वन बनाना पड़ता था, वो तो जीरो है तो उसको तो वर्क नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर कुछ काम नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी जीरो है, अब जीरो को वन नहीं बनाना है, नॉन जीरो एंट्री होती तो हम उसको वन बनाते थे, तो ये ऑटोमेटिकली जीरो है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां ये टू दिख रहा है तो इसको वन बनाया जा सकता है, इसको वन बनाया जा सकता है और ये वन बनाकर फिर ये रो R2 और R4, क्योंकि सेकेंड, जब हम सेकेंड कॉलम की बात करेंगे, सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट की बात करेंगे तो वहां नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए, तो यहां तो नहीं है लेकिन यहां टू दिख रहा है तो ये टू को वन बना लेते हैं, पहले तो इसको वन बना लेते हैं और वन बना के फिर इसकी हम इंटरचेंज कर सकेंगे रो को, पहले इसको या पहले इंटरचेंज कर दें, एक ही बात है, इसको पहले इंटरचेंज कर देते हैं, पहले इंटरचेंज कर देते हैं, R2 और R4 को चेंज करना चाह रहे R2 4, अब यहां कांस्टेंट का रोल नहीं है, केवल हमने रोज को इंटरचेंज किया, तो R1 as it is 1 minus 1 1 1 1, R4 चले गया R2 की प्लेस पे 0 2 minus 2 minus 4 2, R3 अपनी जगह पर है 0 0 minus 1 minus 2 0 और फिर R2 आ गया नीचे 0 0 1 2 0, चेंज हो गया। नाउ दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें बात करनी है कैनोनिकल फॉर्म की,
कैनोनिकल फॉर्म में जब हम बात करें तो ये एंट्री को वन बनाना है। अब सुनिए, वन बनाने का पर्पस क्या होता है? वन बनाने का पर्पस होता है कि वो वन की हेल्प से हम उसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो बना सके, वो आसान होता है। ठीक, अब इसके नीचे ऑलरेडी जीरो है तो इसको वन बनाया या नहीं बनाया, वन नहीं बनाएंगे तो उसको कैनोनिकल फॉर्म नहीं बोलेंगे, रो कैनोनिकल फॉर्म नहीं बोलेंगे, दैट्स इट। लेकिन वन बनाने से एंट्री थोड़ी रिड्यूस हो जाएंगी, सब में टू दिख रहा है तो वो एंट्री रिड्यूस हो जाएंगी, तो बेटर है उसको ऑपरेट कर देते, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते। इतना सभी का लिखकर हो गया है, इतना सभी का लिखकर हो गया है, आप यस या डन ये रिमार्क दे दीजिएगा चैट में। यस, ओके, इसके आगे हम बात करते हैं। नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू, क्या करना चाह रहे हम, इसको वन बनाना चाह रहे हैं, तो आर टू चेंजेस टू, हमारा यूजुअल नोटेशन आर टू चेंजेस टू वन बाय टू आर टू ऐसा लिखते हैं। यहां क्या लिखेंगे, आर टू चेंजेस टू आर टू हाफ, आर टू हाफ, ओके कर देते हैं हाफ से मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो एज इट इज वन माइनस वन वन। एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी, एक मिनट सर, अगर यहाँ पे आर टू चेंजेस टू आर टू प्लस आर वन लगा दिया तो भी तो आ जाएगा आंसर, लेकिन ये एंट्री चेंज हो जाएगी ना, जब तुम आर वन प्लस आर टू करेंगे तो ये जो इतनी मेहनत से जीरो बनाया। ओके हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, हाँ ओके, ओके चलिए, तो वन बाय टू से मल्टीप्लाई कर देते तो ये बन गया जीरो, ये बन गया जीरो, ये वन माइनस वन माइनस टू वन, टू वन बाय टू से मल्टीप्लाई कर दिए, बाकी के दोनों रो एज इट इज जीरो जीरो माइनस वन माइनस टू जीरो 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 वन टू जीरो। तो दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, नाउ दिस मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आर टू हाफ, ये हमारे यूजुअल ट्रांसफॉर्मेशन थे जो नोटेशन अभी तक हम 12th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, अब हम थोड़े नोटेशन बुक के अकॉर्डिंगली यूज कर रहे हैं। वन आ गया उसके नीचे सब जीरो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वन आ गया उसके नीचे सब जीरो है, बात बनते दिख रही है, आगे बढ़ते हैं, इसका भी काम हो गया। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम वन, इसको वन बना देते, इसको वन बना दो या फिर ये वन को ऊपर नीचे आर थ्री और आर फोर को इंटरचेंज कर दो, दोनों में से कुछ भी। अच्छा, जब हम ये सब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं होगा कि यही ट्रांसफॉर्मेशन यहां अप्लाई करना है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन वेरी हो सकते हैं, तो दोनों तरीके आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री टाइम्स माइनस वन या फिर आर थ्री और आर फोर ये इंटरचेंज कर लेते, तो अभी इंटरचेंज कर लेते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू आर थ्री चेंजेस टू आर फोर वन माइनस वन 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 जीरो वन माइनस वन माइनस टू वन, अब ये आर फोर चला गया ऊपर जीरो जीरो वन टू जीरो और वो आ गया नीचे जीरो जीरो माइनस वन माइनस टू जीरो। फर्स्ट पिवोट सेकेंड पिवोट थर्ड पिवोट वन बन गया, अब ये वन की हेल्प से नीचे जीरो चाहिए तो इसको जीरो बनाना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आर फोर इसको जीरो बनाना है तो प्लस वन करने से काम होगा, मतलब यूजुअल नोटेशन में आर फोर चेंजेस टू आर फोर प्लस आर वन, अभी शुरू शुरू में हम ये प्रैक्टिस करते उसको देखते हुए लिखें कि बाद में फिर कुछ प्रॉब्लम के बाद डायरेक्ट लिखा करेंगे, तो आर फोर चेंजेस टू आर फोर वन एंड कॉन्स्टेंट इज प्लस वन, आ रही है समझ में, गुड, कॉन्स्टेंट इज प्लस वन, ठीक है इसको मिटा दें, अप्लाई करें, तो दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट रो अपनी जगह वन माइनस वन 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 जीरो वन माइनस वन माइनस टू वन जीरो जीरो वन टू जीरो, सब अपनी जगह है। हाँ, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, दोनों को ऐड करना है सीधा सीधा जीरो 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 और जीरो ऐड हो गया। थर्ड पिवोट एलिमेंट की बात हो गई, अब फोर्थ पिवोट एलिमेंट नॉन जीरो होता तो वन बनाते थे, ये तो है जीरो, तो प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो गया। फिफ्थ पिवोट एलिमेंट है ही नहीं,
इसके नीचे है नहीं। तो देखो नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे क्या रो वाइज, 10 है, 20 है एंड 30, 40, 50 है। और एक और बात थी, यदि मान लो कोई जीरो रो हो, ऑल एलिमेंट्स इन अ रो आर जीरो, तो वो बॉटम में होनी चाहिए, है बॉटम में। तो ये हो गया हमारा कैनोनिकल रो रिड्यूस कैनोनिकल फॉर्म, रो कैनोनिकल फॉर्म। तो इसको हम कह देते हैं से दिस इज इक्वल टू बी। तो कई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, रिड्यूस गिवन मैट्रिक्स इनटू रो कैनोनिकल फॉर्म, तो ये बन गया रो कैनोनिकल फॉर्म। मींस देयरफॉर ए इज इक्विवेलेंट टू बी एंड दिस बी इज रो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए। अब रो कैनोनिकल फॉर्म से जब रैंक की बात करना हो तो ध्यान से सुनिएगा। यस यस यस, दिस इज करेक्शन, R43, दिस इज R43, R43 इसकी इसको यूज किए, गुड थैंक यू, R431 हाँ राइट। जब इस तरह की कोई बात हो तो हमारा ध्यान नहीं गया, तो ऐसे समय आप डेफिनेटली माइक ऑन करके बता सकते हैं, तो तुरंत समझ में आ जाती, तो बाकी लोग भी फिर सही लिखते अपने नोटबुक में। ओके, हम बात कर रहे थे जब कैनोनिकल फॉर्म में मैट्रिक्स हो तो रैंक कैसे बात करते हैं। रैंक डिसाइड करने के लिए हम इसमें देखते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं। नॉन जीरो रोज मतलब एक भी यदि नॉन एंट्री होगी, नॉन जीरो एंट्री होगी रो में, तो दैट इज नॉन जीरो रो। तो फर्स्ट रो इज नॉन जीरो, है काफी सारे नॉन जीरो एलिमेंट, सेकेंड रो इज नॉन जीरो, थर्ड रो इज नॉन जीरो, है एक एंट्री भी यदि नॉन जीरो होती थी तो वो नॉन जीरो रो कहलाती थी, और ये फोर्थ तो जीरो रो है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 3, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3। ठीक है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी एंड दिस इज बी इज कैनोनिकल, रो कैनोनिकल कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए, रो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए। रैंक ऑफ ए यूजिंग कैनोनिकल फॉर्म इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म। तो कितना दिख रहा है वो, इट इज 3। जब हमने इसके पहले वाले लेक्चर में रैंक की बात की थी तो वो था माइनर मेथड से, माइनर मेथड से जब रैंक डिस्कस करते हैं तो उसमें हमको हर ऑर्डर के माइनर सॉल्व करने पड़ते हैं, और जैसे जैसे प्रॉब्लम बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। हर ऑर्डर के माइनर फाइंड करना, और यदि मान लो कभी 15-16 माइनर हो, हमने 15 माइनर तक के फाइंड किया, सारी वैल्यू जीरो आ रही है, 16th माइनर हो सकता है नॉन जीरो हो जाए, तो वो टाइम टेकिंग होती है, टीडियस होता है। इसलिए उसका ऑल्टरनेटिव मेथड है यूजिंग कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। अभी ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया कैनोनिकल फॉर्म से, गिवन मैट्रिक्स का हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते करते कैनोनिकल फॉर्म फाइंड किया, और कैनोनिकल फॉर्म से जब रैंक लिखा जाता है तो इट इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन कैनोनिकल फॉर्म। ओके, अब सेम प्रॉब्लम को पूछा जा सकता है कि रिड्यूस द मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए इन नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द रैंक। नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म का डिफरेंस लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, वो था कि अब जो पिवोट एलिमेंट हम बनाए हैं वो पिवोट एलिमेंट के ऊपर भी सब जीरो चाहिए। तो अभी तो हमारा काम आधा था, हमने केवल पिवोट एलिमेंट के नीचे वर्क किया, अब पिवोट एलिमेंट के ऊपर भी काम करेंगे, उनके ऊपर भी हमको सारे एलिमेंट्स जीरो बनाने होंगे, और उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेफ्ट कॉर्नर में देखना पड़ेगा, दैट इज नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो अब आगे का, ये तो एक प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। जनरली ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में होते हैं। तो ये तो हो गया, इफ क्वेश्चन इज लाइक दिस कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ये प्रॉब्लम हो गया। अब सेम मैट्रिक्स की बात करते हैं, क्योंकि आधा काम हम कर चुके हैं, आधा काम कर चुके हैं, तो इसीलिए उसके आगे की बात कर लेते हैं। यदि क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, तो इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर इसको बी बोल के स्टॉप नहीं करेंगे,
हम इसी को आगे कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। प्रॉब्लम का नेचर समझ में आया? अभी जो दूसरा प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं चैट बॉक्स का यूज करेंगे। प्रॉब्लम का नेचर समझ में आया? यस। तो अब नॉर्मल फॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऊपर के एंट्रीज देखेंगे और उनको जीरो बनाने का काम शुरू करते हैं। अब ये सेकंड प्रॉब्लम हो गया, यानी एक ही प्रॉब्लम से हम दो प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्दर, दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू, अब हमको बनाना है इसको जीरो। तो नेचुरली जब इसको जीरो बनाना है तो कहां पर वन है वो देख लो, उसकी हेल्प से जीरो बनाना आसान होगा। तो माइनस वन को जीरो बनाने के लिए प्लस वन करना पड़ेगा, मतलब हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना चाह रहे हैं। आर वन चेंजेस टू, आर वन चेंजेस टू, आर वन प्लस आर टू, ये आर टू है। लिखते समय कैसे लिखेंगे? हाँ, अब देखिए अभी कोई कॉलम की बात कर रहा है, जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यदि आप अप्लाई करना चाहेंगे, यदि ये सी टू प्लस सी थ्री, इसकी भी बात कर लेते हैं, सी टू चेंजेस टू, सी टू प्लस सी थ्री से पर्पस तो सॉल्व हो जाएगा, ये तो जीरो मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, ये जो मेहनत से जीरो बनाया था अब ये चेंज होकर वन आ गया। हाँ, ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ये पर्पस तो सॉल्व हो रहा है जीरो का, लेकिन ये जो पिवोट एलिमेंट है ये जीरो गया, जाने दो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो जीरो बनाया हुआ था मेहनत से, ये जीरो प्लस वन वन आ जाएगा। तो इस वजह से जब हम कैनोनिकल फॉर्म की बात करते हैं, कैनोनिकल फॉर्म की, तो कैनोनिकल फॉर्म में केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, इसलिए उसका नाम है रो कैनोनिकल फॉर्म। हाँ, नॉर्मल फॉर्म करते समय दोनों रो एज वेल एज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो सकते हैं। कंडीशन इज दैट जो ऑलरेडी हमने मेहनत से बनाई है एंट्री जीरो जीरो जीरो, वो डिस्टर्ब ना हो, वो चेंज ना हो। तो यहां कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो जीरो बनाया हुआ वो चेंज हो जाएगा वन, ये चेंज हो जाएगा वन। अच्छा, अब सुनिए, नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल फॉर्म में वन चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल फॉर्म में वन चल सकता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम अभी नॉर्मल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को दूर रखते हैं, तब तक दूर रखते हैं जब तक कि इमरजेंसी ना पड़ जाए, कि बिना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। जब ऐसी इमरजेंसी आ जाए तब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को टच करेंगे, तब तक के लिए उसको दूर रखते हैं। देखिए, रो से काम कर लेते, पहले रो से काम किया। अच्छा, फिर हम कह रहे हैं कि कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, इसको जीरो बनाना है, तो आर वन चेंजेस टू आर वन आर टू विथ कॉन्स्टेंट के विच इज इक्वल टू वन, हियर एड करना है ना सीधा सीधा दोनों को, ठीक। अप्लाई करते हैं, अप्लाई कर रहा हूं, आर वन में आर टू एड करना है, तो ये वन है, ये बन गया जीरो, ये बन गया जीरो, ये बन गया माइनस वन, और ये बन गया टू। आर टू आर थ्री ये सब अपनी जगह पर, जीरो वन माइनस वन माइनस टू वन, जीरो जीरो वन टू जीरो, जीरो 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 जीरो, वन के ऊपर जीरो हो गया। अब नेक्स्ट में आते हैं, वन उसके ऊपर जीरो, ये बनाना है, दिस इज इक्विवेलेंट टू, चेंज करना है आर टू को, आर टू चेंजेस टू, आर टू वन जीरो जीरो माइनस वन, और ऐड करना है ना टू बना, सही तो है, हाँ करेक्ट। हाँ, अब इसको ये वन के ऊपर जीरो बनाने हैं, तो हमको आर टू चेंज करना है, आर टू चेंजेस टू आर टू प्लस आर थ्री, मतलब आर टू थ्री विथ कॉन्स्टेंट वन, वेरी गुड। अप्लाई करो, वन जीरो जीरो माइनस वन टू, जीरो वन माइनस वन माइनस, अरे काम करना था ना इसके ऊपर, तो ये ऐड किया जीरो, ये ऐड किया वन, ये ऐड किया जीरो, ये ऐड किया जीरो, ये ऐड किया वन, बाकी आर थ्री आर फोर एज इट इज, जीरो जीरो वन टू जीरो, जीरो 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 जीरो, पिवोट एलिमेंट वन, उसके ऊपर जीरो, नीचे जीरो, काम हो गया। आगे चलते हैं, अब आगे है ये वन नहीं है, अब वन नहीं है, इसका मतलब अब यहां सारे एलिमेंट जीरो ही होने चाहिए। यदि जीरो वन जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो जीरो वन, करेक्ट करेक्ट गौरी,
yes. अब यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट होता तो वन बनाते थे और वन की हेल्प से ऊपर के जीरो करते थे, अब वहां नॉन जीरो एलिमेंट तो है नहीं, जीरो है, तो जीरो है इसका मतलब अब ये सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए क्योंकि अब हम नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो करते हैं उसके लिए काम। अब देखो, अब इनको जीरो बनाना है, इनको जीरो बनाना, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो सकता है क्या, पहले वो सोचते हैं। हमने कहा जब तक रो ट्रांसफॉर्मेशन से काम कर सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन से काम करते हैं। इसको जीरो बनाना है तो इसको जीरो बनाने के लिए इसमें टू मल्टीप्लाई करके ऐड करने से काम हो सकता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री प्लस टू टाइम्स आर वन, है ना, यहाँ टू से मल्टीप्लाई किया माइनस टू आएगा, इसको ऐड करेंगे तो जीरो बनेगा। लेकिन इस चक्कर में ये एंट्री डिस्टर्ब हो जाएंगे, टू से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो ये जीरो का टू बन जाएगा, इसका मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन अब काम के नहीं है। कब? नॉर्मल फॉर्म की जब बात कर रहे हैं तब, तब रो ट्रांसफॉर्मेशन अब काम नहीं करेंगे, ये इतनी मेहनत से बनाए हुए जीरो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अब हमको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कंपल्सरीली यूज करना ही होगा। फर्स्ट रो के लास्ट कॉलम में आपने टू लिखा, वो वहां वन होना चाहिए, फर्स्ट रो के लास्ट कॉलम में टू, पहले से आ रहा है ना टू, वो तो पहले से आ रहा है, पहले से आ रहा है, सही है वो, जीरो जीरो माइनस वन टू, इसके पहले क्रॉस चेक भी हुआ है ना, हाँ टू ही है वो, हाँ टू ही है, करेक्ट, ओके ओके डन। हाँ तो अब ये कंफर्म हो गया कि रो ट्रांसफॉर्मेशन काम नहीं करेंगे, अब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको जीरो, अब इसको जीरो बनाने के लिए कहां बने ये, तो देखो आर सी फोर में सी वन यूज करते, ऐड करने से काम हो जाएगा, तो सी फोर वन विथ कॉन्स्टेंट वन। अब सिंबल का मीनिंग समझ में आने लगा फटाफट। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें तो एंट्री कॉलम वाइज करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम 1000, सेकंड कॉलम 0100, थर्ड कॉलम 0010, फोर्थ कॉलम कैसे मिला, ऐड करने से, तो ये हो गया 0, 0 ऐड करने से तो कोई फर्क पड़ना नहीं अपनी जगह। अब इसको भी तो 0 बनाना है ना, क्योंकि यहां तो कुछ है नहीं, इसको भी 0 बनाना है, तो फिफ्थ कॉलम C5, अब C5 को जीरो बनाने के लिए माइनस टू ऐड करना पड़ेगा, माइनस टू अकेला ऐड नहीं कर सकते डायरेक्ट, C1 की हेल्प लेते, तो C51 विद कांस्टेंट माइनस टू, यस ऑपरेशन चेक कर लो, C51 विद कांस्टेंट माइनस टू, समझ में आ रही है, माइनस टू लेना होगा, माइनस टू, हाँ माइनस टू, तो शुरू कर दे इसको, माइनस टू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, माइनस टू से मल्टीप्लाई, अब जीरो में कुछ भी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई किया तो जीरो लेने वाला, ऐड करने से 100, ठीक है। अब ये टू नहीं चलेगा यहां, इसको बनाना होगा जीरो, इसको किसकी हेल्प से जीरो बना सकते हैं, ये वन की हेल्प से बनाते हैं। इतना लिखकर हो गया है क्या आपका, ये जितना लिख रहा है उतना लिखकर हो गया है क्या, हाँ साथ साथ में चल रहे ना, वेरी गुड वेरी गुड, चलते ऊपर का रख करके, दिस इज इक्विवेलेंट टू, अच्छा ये जो सिंबल है ना, सिंबल का नाम है टिल्डा, TILDA टिल्डा, ये जो सिंबल है, और देखिएगा जब आप नोटबुक में सिंबल बना रहे हैं तो ये सिंबल ऐसा ही बन रहा हो, ये आपके कीबोर्ड पर एस्केप बटन के नीचे रहता है बटन, वो सिंबल है, कहीं आप ऐसा तो नहीं बना रहे इसको, उल्टा तो नहीं हो रहा है, ये देख लीजिएगा नोटबुक में जब आप लिखे तो प्रॉपर सिंबल यूज कीजिए, ठीक है। This is incorrect. This is correct notation. हाँ. क्या चेंज करना चाह रहे हैं हम, C4 चेंज करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ C3, तो C4 C3 कैसे होगा, C4 changes to C4 minus 2 times C3, तो constant हमारा आया यहाँ पर minus 2, C4 3 minus 2, शुरू करते हैं, 1000 0100 0010। अब कॉलम 4 चेंज हो रहा है तो क्या करना था,
C3 का यूज करना है, माइनस टू से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 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 सब हो गए जीरो। अब ये भी रह गया वन, ये वन को जीरो बनाया जा सकता है। देखिए क्योंकि यहां पर एक वन है तो बाकी सब जीरो होना चाहिए, एक वन आ गया है तो बाकी सब जीरो होना चाहिए। तो सी फाइव पर भी काम करना पड़ेगा, सी फाइव किसकी हेल्प से, सी टू की हेल्प से विथ कॉन्स्टेंट माइनस वन, नाम बोले जो उसको फुल फॉर्म में, तो सी फाइव चेंजेस टू सी फाइव माइनस टू टाइम्स, सॉरी माइनस सी टू, माइनस सी टू। तो लिख दिया, अप्लाई करो ट्रांसफॉर्मेशन, अप्लाई करते हैं, सी टू में माइनस वन मल्टीप्लाई करना है और सी फाइव में ऐड करना है, ये जीरो, माइनस वन अप्लाई मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, ये जीरो, ये जीरो जीरो, ये जीरो जीरो। अब सब कुछ ठीक है, सब एंट्री या तो वन है या जीरो है। और देखिए ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है, इसको यदि थोड़ा सा हम पार्टीशन फॉर्म में बताएं, इसको पार्टीशन फॉर्म में डालें यहां पर ऐसा और ये ऐसा, तो ये हमको दिख रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री। तो दिस इज इक्वल टू फॉर्म आई थ्री, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री। अब इसके बाजू में कुछ जीरो कॉलम्स दिख रहे हैं तो इसके लिए बना दिया जीरो, और उसके नीचे जीरो रो दिख रही तो इसके लिए बना दिया जीरो। तो दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स, दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स ए। ऐसा क्वेश्चन होता है, रिड्यूस द गिवन मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक, एंड रैंक ए दैट इज सिंबॉलिक फॉर्म में रो ए इज इक्वल टू ये ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इट इज थ्री, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो दोनों केस में रैंक इज सेम, टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।